बेटा मैं ना कुछ लोगों की तलाश में बचपन से लगा हूं, बचपन खा गए मेरा, बिन बुलाए मेरी जिंदगी में आ गए। कौन लोग बुला? चार लोग। मर्जी की डिग्री करनी है, चार लोग क्या कहेंगे। मर्जी की शादी करनी है, चार लोग क्या कहेंगे। मर्जी की फील्ड चूज करनी है, चार लोग क्या कहेंगे। मैं शादी नहीं करनी उस पे भी चार लोग क्या कहेंगे। अबे हैं कौन ये चार लोग? भजन टीचर ने सवाल किया पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, मैंने कहा 100 करोड़। मैम कहती है पागल है, 20 करोड़ है। मैंने कहा एक बंदे के पीछे जो चार लोग लगे हुए हैं वो कौन गिनेगा, वो कौन गिनेगा बताओ ना। एक बार मैं घर लेट आया, अब्बा जी कहते हैं ये कुछ टाइम। मैंने कहा बेटा चार लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा एक मिनट, चार लोग सोए नहीं अभी तक और ये सोते वोते नहीं है, और चारों के चारों बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे। कुछ गलत के खिलाफ तो बोलते नहीं है चार लोग, कहीं जॉब लेने जाओ लिंक ना हो, जॉब ना मिले, इस पे तो बोलते नहीं है चार लोग। नेपोटिज्म के खिलाफ तो बोलते नहीं है चार लोग, गलत जगह बोलते नहीं। जाओ मेरी मेरी कितू आ जाते हैं चार लोग, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भाई चार लोगों अपने काम पे फोकस करो, अपने फराइज पे फोकस करो। मुल्क आजाद हो गया इसका ये मतलब नहीं आप अपने फराइज से भी आजाद हो गए। और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इस टाइम वेव्स ब्रांड बहसियत एक सच्चा पाकिस्तानी अपना फर्ज निभा रहा है, और आपको भी यही काम करना चाहिए, क्योंकि फर्ज से आजाद ना हम ना आप। लो गांधी ऐसी दी तैसी। वेव्स, फर्ज से आजाद हम ना आप। वेव्स नाम ही काफी है।